आज जोर आजमाई का दिन है। दो पुराने पाकिस्तान क्रिकेट के पहलवानों के दरमियान सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमें आमने सामने हैं। वही रीत जारी रही है, पहले बॉलिंग करने की। अनवर अली को ज्यादा परेशानी हुई नहीं फैसला साजी में। अच्छा शॉट खेला, गेंद गैप से गुजर चुकी। यहाँ पर सिर्फ एक ही रन पर इक्तफा करना पड़ा। ये पुल शॉट खेला और लगा था कि गेंद मिस क्यों होकर जाएगी सीधी फील्डर सुहेल खान के पास, लेकिन उनसे ज़रा दूर गिरी और चार रन भी मिल गए। और किनारा और कैच, शर्जील खान ने आसानी के साथ इस गेंद को अपने दोनों हाथों की जीनत बना लिया। बाउंस मिला सोहेल खान को, ऑन द अप खेलने के लिए गए फैजान और संगीन गलती उनकी विकेट का मौजिब बन गई। दो रन बनाकर मोहम्मद फैजान पवेलियन वापस लौट गए सेंट्रल पंजाब 6-1 विकेट के नुकसान पर। उम्दा शॉट जुनैद का, बाउंड्री का फासला कम है। अच्छा टाइम किया और अपना तवाजुन बिगड़ने नहीं दिया। ऊंचा शॉट है ये 6 रन के लिए। ये छोटी बाउंड्री है, इस पे आप पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ये ट्रेडमार्क शॉट है अहमद शहजाद की जानिब से। 4 रन हासिल करेंगे। फील्डर के ऊपर से 4 रन मिल जाएंगे अहमद शहजाद को। एक बार फिर लेफ्ट अपनी लेग को क्लियर किया और सीधा खेलने खेले और सक्सेस हासिल की अहमद शहजाद ने। एक बार फिर बॉल हवा में, दानिश अज़ीज़ नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये बॉल शायद चला गया ऑल द वे 6 रन के लिए। शायद इंटेंशन जहां खेलने की नहीं थी, लेकिन रन आने चाहिए, रिजल्ट जो मैटर करता है। कदमों का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद है। आसिफ महमूद की अच्छी कोशिश थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि कैच पकड़ पाते और 4 रन दे दिए। ये बड़ा मौका है इस मैच में। ये अहमद शहजाद की विकेट थी, विकेट की जरूरत थी इनको। हवा में बॉल है, फील्डर मौजूद है। हाँ जी, आउट ले लेंगे। अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पे साद खान ने, सब्स्टिट्यूट फील्डर है। और फाइनली वो जो ब्रेक थ्रू जिसकी तलाश थी सिंध की टीम को, अनवर अली हासिल करते हुए। जुनेद अच्छे लग रहे थे लेकिन शायद वो जो प्रेशर था बाउंड्री ना हासिल करने का, वो बढ़ते हुए और अपनी विकेट गंवा दिए। सेट बैट्समैन को वापस भेजा है और पार्टनरशिप ब्रेक की फाइनली 78 रन की, 84-2 सेंट्रल पंजाब। दूसरी जाने अहमद शहजाद ने अपने एक्सपीरियंस से इस जमूद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब 11 ओवर हो चुके हैं चौका लगे हुए। अनवर अली भी अपने तजर्बे का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ अहमद शहजाद ने अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए। ऑफ द बैकफुट आवाज लाजवाब, परफेक्टली प्लेस्ड। आसिफ महमूद का इस्तकबाल किया इस चौके के साथ और 12 ओवर्स का जमूद तोड़ने में कामयाब रहे हैं 50 स्कोर करने वाले अहमद शहजाद। वहाँ मौजूद होते हैं अब टेस्ट मैच के रूल्स रेगुलेशंस, और इसके साथ ही धावा बोल दिया है। शानदार शॉट है, शानदार फ्लो बल्ले का तैयब ताहिर ने 6 रन हासिल किए। गाइड कर दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, 4 रन मिल जाएंगे। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल तैयब ताहिर की जानिब से, सोहेल खान पहुंच नहीं पाए, 4 रन मिलेंगे। का इस्तकबाल किया है, शानदार कदमों का इस्तेमाल किया है, प्लेसमेंट भी कमाल की रही है और रिजल्ट भी एक्सेप्शनल रहा है, 4 रन। शॉर्ट बॉल इसको उठा के खेला है तैयब ताहिर ने और बाउंड्री पार पहुंचाया 1 बाउंस 4। अब जो है वो अटैक शुरू हो चुका है दोनों एंड से सेंट्रल पंजाब के लिए। शानदार फील्डिंग उमर बिन यूसुफ की, डायरेक्ट थ्रो 52 तोले पावरती और काम तमाम अहमद शहजाद। हालांकि यहां पर वो डाइव कर सकते थे लेकिन तवक्को नहीं कर रहे थे कि थ्रो उन्हें बीट कर जाएगी।
अच्छी फॉर्म में थे, आज 67 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे सेंट्रल पंजाब 130 तीन विकेटों के नुकसान पर। विकेट कीपर की गेंद 10 रन से बाहर थी और बाउंड्री के भी बाहर, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये उम्दा फुल शॉट, 4 रन इस बार शॉट गेंद, जो ही नजर आई आंखें चमक उठी तैयब ताहिर की। अच्छा आशिया, शानदार छक्का तैयब ताहिर, जारी रहेंगे और यहां तैयब ताहिर जारी रहेंगे फुल शॉट पर, वो 6 रन आ गए। सामने खेल दिया मिड ऑन के ऊपर से, 4 रन तैयब ताहिर की निस्ट सेंचुरी में मुकम्मल हुई, उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है, 13वीं निस्ट सेंचुरी और अब ये 16 हो जाएंगे। ड्राइव करने के लिए गए स्क्वायर ऑफ द विकेट और ऑफ द एज गई, ये खेलते हैं तो उनके हाथ बहुत तेज चलते हैं और ये गेंद बहुत तेज चली है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। इस बार कासिम अकरम थे बैट्समैन, बोल कर दिया, ये लकी विकेट रही है और लेंथ डिलीवरी जिसे पोल करना चाहते थे उस तरीके से बल्ले पे बॉल नहीं आया और एक बड़ी विकेट, डिसअपॉइंटेड होंगे तैयब ताहिर। फ्लड गेट्स को ओपन करने के लिए विकेट के शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल करके इनवाइट कर रहे थे, अपनी जगह पे खड़े खड़े स्ट्रेच करके इसको ऑन साइड पे पुल करने की कोशिश की, पिछले ओवर में भी स्ट्रगल किया था फुटवर्क से। तैयब ताहिर 59 रन बनाकर आउट, 180/4 सेंट्रल पंजाब। बड़ा शॉट है ये, बहुत ही बड़ा शॉट है ये, मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से 6 रन हासिल किए। आमिर यामीन अब लॉन्ग हैंडल यूज करने लगे हैं, ये छोटी बाउंड्री है जिसे कवर नहीं कर पाएंगे। सोहेल खान से ज़्यादा दूर नहीं था बॉल लेकिन खड़े के खड़े रह गए, नाखुश हैं कप्तान अनवर अली इस एफर्ट से। आमिर यामीन, ओ एक बार फिर अच्छी एफर्ट थी है, 4 रन के लिए ज़रूर बॉल चला जाएगा लेकिन आसिफ महमूद की शानदार एफर्ट, खुश नहीं है अनवर अली। जी इसी बात का जिक्र कर रहे थे हम, पहले ही बॉल को पहुँचा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। एक बार फिर शानदार तरीके से पुल किया लेकिन फील्डर के पास होती बॉल 4 रन के लिए, 10 रन पहले दो बॉलों पे हासिल कर लिए हैं आमिर यामीन ने। या सुहेल, फील्डर मौजूद है, काम कर गया, विकेट हासिल कर लिए कासिम अकरम की। गेंद को जोरदार अंदाज से खेलने के लिए गए थे जो कि नीचे रही और अब ये सेफ हैंड्स मौजूद है आसिम महमूद के। यूजफुल इनिंग्स 39/32 की कासिम, 233/5 सेंट्रल पंजाब। काफी स्ट्रेट करने गए यहाँ पे, कलाइयों का इस्तेमाल करने गए थे आमिर यामीन लेकिन एक आसान सा कैच दे बैठे और यूं सिंध की एक शानदार कमबैक इस मैच में, 2 ओवर्स में 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। धानी ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेते हुए। 45 पर मौजूद थे आमिर यामीन जिन्होंने दहाड़ी को कवर करने की कोशिश की जो कि इस एंगल पे थे शॉर्ट फाइन लेग पर, आसानी के साथ लगा के स्ट्रैप में आ गए। आमिर यामीन कप्तान है सेंट्रल पंजाब से, अब से अफसरदा और गुस्से में नजर आते हैं इस एफर्ट पे, 233/6 डाउन द विकेट आए। इरफान नियाजी चार्ज करने गए दानिश अजीज को और बाउंड्री लाइन को वह आसानी क्लियर किया 6 रन के लिए, तो आगाज नहायत शानदार था लेकिन इरफान नियाजी ने काउंटर पंच किया यहाँ पे दानिश अजीज को। रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया जफर गौहर ने, तवील सफर है फील्डर के लिए, नहीं पहुंच पाएंगे, कमाल की अलर्टनेस और प्लेसमेंट जफर गौहर की जानिब से। पेस को वेरी किया यहां पे सोहेल खान ने, शॉट ऑफ द लेंथ बॉल थी लेकिन जफर गौहर पिक कर गए, जल्दी पोजीशन में आ गए थे, गेंद को आने दिया और उसे स्मैश किया 4 रन के लिए। ओवर की आखिरी गेंद शॉट ऑफ द लेंथ और जफर गौहर ने इसे उठा के खेल दिया बाउंड्री के लिए, तो ये ओवर अच्छा था लेकिन इसका इख्तिताम जो है वो सेंट्रल पंजाब के फेवर में हुआ। एक और शॉट गेंद और जफर गौहर ऑन टाइम इस गेंद को स्मैश करने में कामयाब हुए 4 रन हासिल किए। ये उठा के मारा है इरफान नियाजी ने, फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और कैच कंप्लीट किया यहाँ पे साइम अयूब ने, तो मिला आखिर इरफान नियाजी जो कि खतरा बने हुए थे सिंध के लिए, उनके विकेट हासिल किया आसिफ महमूद ने।
इरफान नियाजी आउट हो गए वापस, सेंट्रल पंजाब 282 पे साथ। बेहतरीन आगाज किया इस ओवर का, लेकिन नॉन स्ट्राइकर दौड़ चुके थे और ये दहानी ने डायरेक्ट हेड भी लगाई है और अंपायर ने आउट का इशारा कर दिया। दहानी के खिलाफ फुल चार्ज कर रहे थे, परफेक्टली ऑलमोस्ट पिक यॉर्कर, डाउन द लेग साइड जाता हुआ मिस कर गए, ओसामा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार थे। सैफुल्ला बंगश की थ्रो जो कि बरास्ता दहानी के हाथों पहुंची, मौका सेंट्रल पंजाब को 300 के नीचे महदूद रखने का, जफर गौहर की विकेट की सूरत में 288 पे 8। यहां पे उठा के खेला ओसामा मीर ने अक्रॉस द लाइन और ये 6 रन हासिल किए यहां पर, फुल लेंथ पे पड़ा हुआ था ये बॉल भी। एक और शॉर्ट बॉल और इसे भी स्लैप कर दिया यहाँ पे ओसामा मीर ने और ये एक और छक्का बैक टू बैक सिक्स शाहनवाज दहानी को, जो कि ऑलरेडी महंगे साबित हो रहे थे आज। उठा के मारा है यहाँ पे ओसामा मीर ने, गेंद उनके जोन में गिरी और इस गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया उन्होंने 6 रन के लिए। 3 छक्के लगा चुके हैं ओसामा, 3 और टॉल एज एनीथिंग। यहाँ पे स्कोप करने गए ओसामा मीर, गेंद काफी देर हवा में था और एक आसान कैच मुकम्मल किया यहाँ पे शाहनवाज दहानी ने। अच्छा काउंटर पंच डिलीवर किया था ओसामा मीर ने, 22 रन बनाए, लेकिन बिलाखिर उनकी इनिंग्स का जो है वो इख्तिताम हुआ। हलचल मचा दिया ओसामा ने 22 रन से, एक गेंद बाकी इनिंग्स की, 309 पे 9। आखिरी गेंद मोहम्मद अली उठा के मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए और 22 का 1 रन बन जाएगा यहाँ पर, 310 रन पे इख्तिताम हुआ है सेंट्रल पंजाब की पहली इनिंग्स का। पहली गेंद आने को है, औरंगी एंड से आएंगे मोहम्मद अली। आमतौर पर पहला ओवर फार एंड से किया जाता है, लेग ग्लांस किया एक रन के लिए साय मयूब ने, सरसिन की टीम किनारा लगा और ये तकरीबन पहुंच में आ चली थी स्लिप के फील्डर की, 4 रन का इजाफा स्कोर में हुआ। वैसे फ्लैश या स्लिप के ऊपर से गेंद गई 4 रन, वहां इरफान नियाजी को भेज दिया गया था स्लिप पोजीशन पर, शॉट 4 रन, गेंद आहिस्ता जरूर हो गई है बाउंड्री के करीब पहुंचकर, लेकिन इतनी नहीं कि ये पार ना पहुंचे। होनहार बैट्समैन को एक बार फिर जाइए और लाइए, ऑफ साइड में शॉट और वाइड थी और ये सजा याफ्ता हुई। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ये तेज शॉट, 4 रन का और इजाफा, शर्जील खान को अब रोकना मुश्किल हो रहा है। एक और उमदा शॉट, वाह कर दिया इसे शर्जील खान ने, एक और चौका। क्रिकेटर्स से बात होती है, शर्जील खान यहां पर आउट हो जाएंगे। एक बहुत ही आसान सहल सा कैच और वहां पर हुनैन शाह थे जिन्होंने 2 कदम पीछे चल के ये पहली कामयाबी को मुमकिन बना दिया और लूज शॉट खेला शर्जील खान, क्लियर नहीं कर सके इनफील्ड को। या अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद अली और 32 रन बनाकर शर्जील खान आउट हुए, 6 चौके भी इनकी इनिंग्स में शामिल थे, 43 पे 1 सिंध 4.3 ओवर्स के बाद। अच्छा ड्राइव है ये शानदार तरीके से, फुल फेस ऑफ द बैट, उमेर बिन यूसुफ बहुत स्किलफुल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं यहाँ पे दिखाते हुए। शानदार प्लेसमेंट, साय मयूब बहुत टैलेंटेड है, बहुत टाइम है इनके पास, फुटवर्क शानदार है। तेजी के साथ रन लिया है, ये अगर डायरेक्ट हिट हुई तो देखना होगा और ये यकीनन एम्पायर ने उंगली फिजा में बुलंद की और ये यू साय मयूब को रन आउट करार दिया गया।
एक अच्छे टाइम पे खेल रहे थे, बहुत स्विफ्ट मूवर हैं, बहुत तेज़ी से पहुंचे और रॉकेट आर्म है इनका। ये सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से किसी भी टीम में एंटर हो सकते हैं, इतने टैलेंटेड हैं। कच्चा डिसीजन, आसान डिसीजन अंपायर के लिए। डिसअपॉइंटेड होंगे साइम अयूब, 15 रन बनाए, सिंध को प्रॉब्लम्स में डाला और चल दिए 56-2 सिंध। फ्लिक शॉट, 4 रन मिल जाएंगे, अच्छा आगाज है ये फराज के लिए, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल। अच्छा पुल शॉट, लाजवाब हिट, छक्का लगा दिया, चिप किया और बहुत ही शानदार कैच, लाजवाब। तैयब ताहिर, जिन्होंने कुछ देर पहले साइम को रन आउट किया था, ये उमर बिन यूसुफ का हैरत अंगेज उनने कैच लिया। गेंद दूर थी और नीचे आ रही थी, तैयब ताहिर ये एक्शन से दूर नहीं रहते, खास तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा सिंध को। उमर बिन यूसुफ 18 रन बनाकर पवेलियन वापस, सिंध 14 ओवर के अख्तितम पर 87-3 विकेटों के नुकसान पर। तो जड़ें बहुत गहरी हैं वनडे क्रिकेट के साथ, लेस्टर शायर की और पॉल निक्सन की भी, और यहाँ रन आउट हो जाएंगे दोनों खिलाड़ी एक एंड पर हैं। कासिम अकरम ने ये चलते हुए ये चौथी विकेट दिलाई सेंट्रल पंजाब को। तो गलतफहमी फराज और सुलेमान के दरमियान, और देखना ये है यहाँ सुलेमान को जाना पड़ेगा कि उन दोनों में से पहले बैटिंग फार एंड पर क्रीज में पहुँचा कौन था, फराज पहुँच गए थे। सिंध को चौथा नुकसान उठाना पड़ा, मोहम्मद सुलेमान 2 रन बनाकर रन आउट हुए 91-4 सिंध 16 ओवर्स के बाद। गेंद को दूर गिराया और बैट्समैन ने वार किया सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर। सेंट्रल पंजाब के साथ सेमीफाइनल खेलेंगे, हवा में बॉल है लेकिन गैप में, 4 रन के लिए दानिश अजीज की जानिब से। पोटेंशियल है, स्किल है, एग्जीक्यूट करना होगा लंबे टाइम के लिए। फील्डर मौजूद है लेकिन मैस मचा दिया, तैयब ताहिर से एक्सपेक्ट नहीं करते हम तो मुश्किल होते हैं, लेकिन फराज को कोई मुश्किल पेश नहीं आई है, ऑल द वे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए और अपने 50 रन भी इस छक्के के साथ मुकम्मल किए। बहुत ही शानदार कॉम्पैक्ट इनिंग फराज की जानिब से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये इनिंग खेली है। फील्डर मौजूद हैं और आसानी से कैच ले लेंगे। इरफान नियाजी कोई गलती नहीं करने वाले, डिसअपॉइंटेड हैं दानिश अजीज, विद द स्पिन खेले, विद द विंड खेले लेकिन एलिवेशन हासिल नहीं कर सके, फोर्स हासिल नहीं कर सके और अपने विकेट गवा दी। तो दानिश अजीज 20 रन बना सके, सिंध 143-5। स्वीप करने में कामयाब हुए और बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गए 4 रन के लिए, एक ऐसे स्टेज पे। यहाँ पे स्वीप मारने गए, लाउड अपील अंपायर की और आउट दे दिया। तो जिस तरह ताहिर बात कर रहे थे कि स्वीप का अंदाजा होगा और वही हुआ, स्वीप शॉट खेलने गए, कासिम अकरम ने ट्रैप किया और यूं सैफुल्ला बंगश की इनिंग्स का अख्ताम हुआ। क्योंकि जितनी आप डॉट बॉल्स खेलते हैं तो प्रेशर आप पे बढ़ता जा रहा था और ये क्लियरली नजर आया हमें। 9 रन बनाकर सैफुल्ला बंगश पवेलियन वापस लौट गए, सिंध 158 6 विकेटों के नुकसान पर और उनकी दुश्वारियों में मजीद इजाफा। नपीतुली लाइन और लेंथ, यहाँ पे लेंथ चूके और अनवर अली ने खूब थड़ी लगाई उनकी बॉलिंग को, ये शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद थी। श्रीलंका के खिलाफ T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ पे अच्छा स्वीप शॉट लगाया अनवर अली ने और ये 4 हो जाएंगे। ये ज़्यादा ऊपर लगी और अंपायर का ख्याल ऐसा बिल्कुल नहीं था, इमरान जावेद ने आउट करार दिया। गेंद तेज़ी के साथ ब्रेक हुई और बहुत ज़्यादा पीछे थे स्टंप्स के, तकरीबन 7 लगे हुए खड़े थे फराज। हैरानी ज़रूरी फराज को लेकिन उनको वापस जाना होगा 64 पे, 180 पर 7 थे फराज। और ये उठाकर खेल दिया और एक और विकेट जा गिरी, मोहम्मद अली ने कैच लिया। उसामा की कामयाबियां, एक ही ओवर में उनने 2 विकेटें हासिल कर ली
और उसामा क्योंकि लंबे कद के इन्हें बाउंस मिलता है इनके खिलाफ, ये स्क्वायर शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता, खासतौर पर स्वीप शॉट। आसिफ महमूद आउट हुए 180/8। और ये अच्छा शॉट खेला, ये हार्ड स्वीप शॉट है और वहाँ फील्डर की कोशिश फैजान की वो रायगा गई। जफर गौहर हमेशा की तरह नाखुश, और अच्छा स्वीप शॉट, चार रन्स पूरी तरह इख्तियार में थे अनवर अली। और ये अच्छा शॉट और ये छक्का होना चाहिए, सनसनीखेज हिट सुहेल खान की, एक अच्छी इंक्लूजन है। और ये अच्छा पुल शॉट और ये छक्का हो चुका है, और बोल्ड कर दिया इस बार, अपनी उंगलियां फेर ली थी आखिरी मौके पर। और ये ऑफ कटर मोहम्मद अली की सेंट्रल के काम आई, सुहेल खान इस बार पहले अपना बल्ला घुमा गए। 30 रन की इनिंग खेली अनवर अली ने, 214/9, अब सुख का सांस ले सकते हैं। बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गई, उठा के मारा है सुहेल खान ने, वकास मकसूद को चार्ज करने गए और ये बड़ी अच्छी एफर्ट की थी यहाँ पे ऑन द बाउंड्री रोप। ये लो फुल टॉस अब सुहेल खान को, और यहाँ भी गाइड करने में कामयाब हुए, चार रन्स बने। वकास मकसूद का ये ओवर महंगा साबित हो रहा है, पहली दो गेंदों पे 10 रन्स दे चुके हैं। इनसाइड एज निकला बॉल और बॉल फाइन लाइन की तरफ जा रहा है, और यूं धानी ने अपने स्कोर का आगाज इस अंदाज से किया। डाउन द विकेट चार्ज करने आए थे यहाँ पे सुहेल खान, आउटर एज लगा बैट का और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री क्रॉस कर गई चार रन्स के लिए। ये शॉट भी उठा के मारा है सुहेल खान ने, और ये गेंद भी बाउंड्री रोप क्लियर कर गई ऑन द फुल छः रन्स के लिए। तो सुहेल खान नहायत शानदार बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, 14 रन्स ऑलरेडी आ चुके थे इस ओवर में, उठा के मारा है सुहेल खान ने, फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और कासिम अकरम ने इस कैच को मुकम्मल किया और सिंध की टीम 244 रन्स पर ढेर हो गई और फतह हासिल की यहाँ पर सेंट्रल पंजाब ने। और न सिर्फ सिंध की टीम ये मैच हारी बल्कि सेमीफाइनल्स की रेस से भी बाहर हो गई। तो ये आज के मैच की समरी, 310 रन्स बनाए थे सेंट्रल पंजाब ने, अहमद शहजाद ने नहायत शानदार 67 रन्स की इनिंग्स खेली, तैयब ताहिर 59 रन्स बनाकर नुमाया रहे, कासिम अकरम ने भी इंतहाई क्रूशल 32 रन्स की इनिंग्स खेली, सुहेल खान और आसिफ महमूद दो दो विकेट लेने में कामयाब हुए और जवाबी कार्रवाई में सिंध की टीम 244 रन्स पर ढेर हो गई। फराज ने 64 रन्स बनाए, सुहेल खान ने अच्छी बैटिंग की 43 रन्स बनाकर, और शर्जील खान 32 रन्स बनाकर नुमाया रहे। तीन विकेटें हासिल की उसामा मीर ने, जो कि नहायत शानदार फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। मोहम्मद अली दो विकेटें हासिल कर सके और वकास मकसूद ने भी दो विकेटें हासिल की। तो यूँ सेंट्रल पंजाब 67 रन से फातिहा।